हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अन एकेडमी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली मॉर्निंग 10 बजे हम यहां पर आपसे कनेक्ट होते हैं और एक बढ़िया सा सेशन आपके यहां पर लेकर आते हैं। तो लास्ट दो सेशन से देखिए, यहां पर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं और काफी अच्छा सेशन हमने वहां पर देखा है। लेटर कोडिंग हो या नंबर कोडिंग हो, सारी चीजें हमने वहां पर बढ़िया से कंप्लीट की है। आज के सेशन में देखिए, आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं आपका कंडीशनल कोडिंग। क्योंकि कंडीशनल कोडिंग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली जो आपका आता है वो कितने मार्क्स में आता है, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से यहां पर कनेक्ट हो जाइए ताकि हम सेशन यहां पर आज का स्टार्ट कर पाए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन यहां पर। काफी अच्छी अच्छी चीजें यहां पर आपको सीखने के लिए मिलेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में आपको जाना है और सर्च करना है वहां पे लेसन्स बाय हिमांशु। वहां जो ग्रुप आपको मिलेगा वो बिल्कुल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होंगे वो सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में देखिए नंबर कोडिंग हमने पढ़ा था, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यहां पर बच गए थे, फटाफट से वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे कंडीशनल कोडिंग में। अब इससे पहले देखिए टाइप्स की हम बात करें, टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट यहां पर हमारे पास हैं। तो जिसमें लेटर कोडिंग हमने पढ़ लिया है, नंबर कोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में यहां पर हम कंडीशनल कोडिंग पढ़ने वाले हैं और आगे जो दो क्लास होंगी उसमें हम यहां पर क्या करेंगे, आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और ये जो बाइनरी कोडिंग है ये हम यहां पर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आगे के दो सेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि चाहे वो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो या फिर आपका बाइनरी कोडिंग हो, वो दोनों ही आपके 5 मार्क्स में आते हैं। कभी भी एग्जाम में आ गया मतलब वो 5 मार्क्स आपके कंफर्म कर देगा। तो बिल्कुल भी आगे के दो सेशन भी मिस मत कीजिएगा। आज का यहाँ पर फटाफट से सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जैसे हर क्लास में मैं आपको बताता हूं कि अल्फाबेट के पोजिशन आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है, अल्फाबेट की यहाँ पर पोजिशन हो या फिर ये अपोजिट लेटर्स हैं, ये आपको फटाफट से याद कर लेने हैं। क्योंकि देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है जो आपके यहाँ पर एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प कर दे। जब चीजें याद होंगी तो ऑटोमेटिकली चीजें क्या होती है वहां पर दिखने लगती है, और जब तक याद नहीं होगा तब तक वो चीजें नहीं दिखेंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, कहीं अभी तक आपने सारी चीजें याद नहीं की है तो फटाफट से याद कर लीजिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी याद कर लीजिए। और जब भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिवाइज करते जाइए, रिवाइज करते जाइए कि पी का पोजीशन 16 होता है, जे का 10 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, ऐसे यहां पर रिवाइज करते जाइए। ठीक है, सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएंगी और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेसिस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली क्या होंगे फिर आपको दिखने लगेंगी। चलिए तो बिल्कुल यहां पर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन यहां देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहां पर देखिएगा स्क्रीन में, मैं लिखता हूं तब तक आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिएगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन लैंग्वेज क्या बोला है, 83491। ठीक है, इसका जो कोड दिया वो क्या दिया आपको यहां पर, SMILE स्माइल आपको यहां पर इसका कोड दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, 256। ठीक है, इसका जो कोड दिया वो क्या दिया है, RUN रन आपको यहां पर ऐसा दिया हुआ है। अब आपको जो निकालना है कोड वो किसका निकालना है यहां पर, 54182 इसका आपको यहां पर कोड निकालना है। तो देखिए मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं सबको यहां पर समझ में आ गया होगा कोड कैसे निकालना है। अब 5 का देखिए कोड आपको लिखना है, तो 5 देख लीजिए आपको यहां पर दिख रहा है 256 में 5 का कोड जो है वो क्या है आपका, यू है। तो बिल्कुल 5 का जो कोड यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यू लिख सकता हूं। ठीक है, 4 का कोड देखना है आपको, तो 4 का कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। 4 का क्या लिखा है, आई लिखा हुआ है, तो आई का भी यहां पर लिख लेते हैं, 4 का भी आई लिख लेते हैं यहां पर। देन 1 का देखिए, 1 का क्या लिखा है हमारे पास में, ई लिखा है, तो ई लिख लिया हमने। देन 8 का देखो, 8 का क्या लिखा हुआ है, एस लिखा है, दैट मीन्स एस यहां लिख लिया। अब 2 का देख लो, 2 का क्या है हमारे पास में, आर है, तो आर लिख लिया। तो आंसर क्या हो गया हमारा यहां पर, यू आई ई एस आर, बिल्कुल आंसर जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी से क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बन गया होगा, काफी आसान से क्वेश्चन था और अच्छा कंसेप्ट भी था, है ना। अच्छा कंसेप्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए जो नहीं जानते हैं अभी तक चीजें, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनकी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सारी चीजें यहां पर समझते जाइए, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व करेंगे उतने कंसेप्ट आपके यहां पर बनते जाएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड।
सेकंड में देखिए क्या लिखा है, इफ इन अ सर्टेन कोड सोलर इक्वल्स टू 20, ठीक है, सोलर इक्वल्स टू 20 एंड सन इक्वल्स टू 6, देन हाउ विल यू कोड पैनल। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, लिखते हैं और आप लोग बनाते जाइएगा। ठीक है, सोलर का क्या दिया है, 20 दिया है, एस ओ एल ए आर, सोलर। ठीक है, कोड यहां पर कितना दिया है आपका, 20 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, सन है, तो सन का यहां पर कितना दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, पैनल है, तो पैनल का आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए जो लॉजिक हो सकता है वो सारे लॉजिक हम यहां पे चेक करेंगे। सबसे पहले फटाफट से मैं क्या करता हूं, हर अल्फाबेट का यहां पर पोजीशन लिख देता हूं। देखिए ये चीजें बहुत आसान कर देती हैं जब यहां पर आप सारे पोजीशन लिख दें। कई बार ये भी होता है कि पोजीशन के बेसिस पे नहीं होती है चीजें, बट यहां पर जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल पोजीशन लिखिए, ताकि क्या होंगे, पोजीशन आपको याद भी होते जाएंगे। देखिए सारे मैंने यहां पर पोजीशन फटाफट से लिख दिया आपके लिए। अब चेक करते हैं क्या क्या यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोलर का कोड 20 कैसे आ सकता है। एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि S का 19 है, 19 प्लस 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सन में चेक कीजिए, सन में ऐसा कुछ है क्या, सन का तो S से स्टार्ट हो रहा है, S में भी 19 प्लस 1 करेंगे तो 20 होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये तो लॉजिक नहीं हो रहा। एक लॉजिक ये भी समझ सकता हूं कि R यहां लास्ट में 18 है, 18 में प्लस 2 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो यहां देखिए N का 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा ना, 6 तो नहीं आएगा, तो ये लॉजिक भी नहीं बन रहा है। और कुछ देखें, और कुछ समझें, तो सोलार में देखिएगा यहां पर सारे पोजीशंस ऐड करेंगे तो 20 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये लॉजिक भी आपको यहां पर नहीं हो सकता है। और कुछ सोचना पड़ेगा, और क्या सोच सकते हैं, देखो सोलार में यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, सोलार में यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, देखिए एस ओ एल ए आर मतलब कितने हो गए, 5 हो गए ना, 5 यहां पर लेटर्स हैं आपके। अब 5 से 20 कैसे आ सकता है ये भी सोचो, 5 से 20 कैसे आ सकता है, 5 से 1 कम कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। ठीक है, तो एक ये चीज मुझे दिख रही है। सन में भी चेक करता हूं, देखो सन में यहां पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास में, 3 है, तो 3 से 1 कम कर दिया 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, बिल्कुल देखिए लॉजिक मिल गया है ना, लॉजिक मिल गया आपको कि जितने लेटर्स हैं वो नंबर और उससे कम करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहां पर कोड आ जाएगा। तो पैनल में देखिए, पैनल में यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6 हैं, 6 से कम कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 30 हो जाएगा। दैट मींस करेक्ट आंसर हो गया 30, ऑप्शन में कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। तो बहुत बढ़िया, देखिए सभी को यहां पर सारी चीजें समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूं सबने यहां पर बढ़िया से क्वेश्चन बनाया भी होगा। देख सकते हैं सभी लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, देख सकते हैं सभी लोग, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, है ना। किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल यहाँ पे चैट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। या फिर आप देखिए यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेसन्स बाय हिमांशु, इसमें आप कभी भी हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा, आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, तब तक मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ। इफ इन अ सर्टेन कोड, एक कोड यहां पर है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का जो कोड आपको दिया है, वर्ड है कंप्यूटर, है ना, इसका कोड जो दिया वो क्या दिया आपको, कंप्यूटर का 54 दिया हुआ है, कंप्यूटर कितना दिया है 54 आपका दिया हुआ है। ठीक है, देन यहां पर आपका क्या है, टैबलेट है, टैबलेट का यहां पर आपका कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, तो ये 400 हमने लिख लिया। अब आपको यहां पर जो कोड निकालना है वो किसका निकालना है, लैपटॉप का निकालना है, ये हो गया आपका लैपटॉप। अब देखिए चेक कीजिए सभी लोग किस तरीके से यहां पर आप लॉजिक निकाल सकते हैं, सभी लोग चेक कीजिए। मैं 20 सेकंड्स का टाइम आपको देता हूं, 20 से 30 सेकंड के अंदर फटाफट से आपको यहां पर आंसर निकालना है सभी लोगों को। सभी लोग फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा और देखिए कैसे आएगा आपका आंसर। तब तक मैं सारे पोजिशन आपके फिर भी लिख देता हूं, देखो चाहे यूज आए यहां पे ना आए, फटाफट से आप लोग लिखिएगा आप भी, ताकि चीजें याद होते जाएं। ठीक है, सारे अल्फाबेट के पोजीशन लिख देता हूं। चलिए सारे पोजीशन मैंने लिख दिए, अब आपको देखना है कि यहां पर कंप्यूटर का 54 कैसे आएगा। ठीक है, देखिए समझ लिए, देखिए यहां पे समझिए 54 कैसे आ सकता है, क्या वॉवेल्स के प्लेस वैल्यू ऐड करने पे आएगा क्या,
ये कॉन्स्टेंट्स की प्लेस वैल्यू ऐड करने पे आएगा क्या? देखिए सभी लोग चेक कीजिए, वॉवल कौन कौन से, ओ है, यू है, ई है, चेक कीजिए होगा क्या, आ सकता है क्या। फिर टैबलेट में भी देखिए, टैबलेट में तो यहाँ पर 400 आ रहा है। अब टैबलेट में 400 आ रहा है, इसको देखने से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। मल्टीप्लाई करने पे 400 आ सकता है, ऐसे तो 400 नहीं आएगा, कहीं वहां पर सारे नंबर्स को ऐड कर दे तो भी नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 400, मुझे एक यहां पर चीज क्या दिख रही है कि आपका 400 कैसे आ सकता है, फर्स्ट और लास्ट यहां पे 2020 लिखा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो 20 मल्टीप्लाई 20 400 आ जाएगा। तो कंप्यूटर में भी चेक कीजिए, बिल्कुल 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना हो जाएगा, 54। तो बिल्कुल आंसर देखिए यहां पर कितना आ गया, 54 आ गया। मतलब लॉजिक भी देखो मिल गया मुझे, फर्स्ट और लास्ट जो यहां पर लेटर्स हैं उनके पोजीशन को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो लेटर यहां पर है उनके पोजीशन को यहां पर क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो लैपटॉप में भी यही करना है, एल का कितना होगा यहां पर 12 होगा और पी का कितना होगा 16 होगा, तो 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 16, आपका आंसर यहां पर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको यहां पर सारी चीज बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी, काफी अच्छा लॉजिक यहां पर था। कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि वॉवल्स जितने हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने यहां पर कॉन्सोनेंट है ना, तो इस तरीके से लॉजिक भी बनता है, कॉन्सोनेंट वॉवल पे भी यहां पर लॉजिक बनता है, कभी इवन प्लेसेस पे जो है ऑड प्लेसेस जो है उस पर भी आपका लॉजिक बनता है। तो सारी चीजें देखिए वहां पर आपको चेक करते जाना है। चलिए तो इसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फटाफट से सभी लोग यहां पर बनाना स्टार्ट कीजिए, तब तक मैं लिखता हूं आपके लिए। सौरभ का जो कोड यहां पर दिया है आपको देखिए, एस ओ यू आर ए वी, सौरभ कोड जो दिया है वो क्या दिया आपको यहां पर, 37 दिया हुआ है, ठीक है 37। देन सचिन का देखिएगा, एस ए सी एच आई एन सचिन, ठीक है, कोड आपको क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है यहां पर, और आपको जो निकालना है वो किसका निकालना है, डी एच ओ एन आई धोनी का कोड आपको यहां पर फाइंड आउट करके मुझे बताना है। चलिए तो ये आपको फटाफट से सॉल्व करना है ना, फटाफट से सॉल्व करते जाइए सभी लोग। एस का देखिए पोजीशन 19 होगा, ओ का 15, यू का 21, आर का 18, ए का 1 और वी का क्या हो जाएगा आपका 22 आ जाएगा। देन एस का 19, ए का 1, सी का 3, एच का 8, आई का 9 और एन का हो जाएगा 14। अब चेक कीजिए सौरभ का 37 कैसे आएगा, जितने डिफरेंट तरीके से आप सोच सकते हैं, जो लॉजिक हो सकते हैं सारे यहां पर आप चेक कीजिए जल्दी से। यहां पर 20 सेकेंड्स का मैं समय आपको देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा, 20 सेकेंड्स आपके पास में, चलिए फटाफट से 20 सेकेंड में सॉल्व करते जाइएगा। चलिए अब देखिएगा है ना यहां पर लॉजिक क्या, ये समझते हैं। देखिए O का हमारे पास कितना है, 15 है ना, U का हमारे पास में कितना है, 21 है और A का हमारे पास में कितना है, 1 है, ठीक है। अब इन सारे को ऐड कर दीजिए, अब O, U, A जो है वो हमारे क्या है, वॉवेल्स है, तो बिल्कुल यहां पर जो लॉजिक हमारा है वो क्या है, सारे वॉवेल्स के पोजीशन यहां पर ऐड कर दिए गए, बिल्कुल 15 + 21 + 1 क्या आ जाएगा आपका, 37 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सचिन का देखिएगा, A का 1 हो गया, ठीक है, आई का यहां पर क्या हो गया, 9 हो गया, तो ए का 1 और आई का 9 + 1 कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि वॉवेल्स कभी ऐड हुए तो कभी कॉन्सोनेंट भी ऐड हो सकते हैं, है ना, और जैसे कि मैंने बताया कभी ऑड प्लेसेस कभी इवन प्लेसेस, इस तरीके से चीजें आपकी यहां पर ऐड होते जाती है। चलिए तो धोनी में देखिए यहां पर कौन कौन से वॉवेल है, एक तो ओ है जिसका प्लेस वैल्यू 15 होता है और आई है जिसका प्लेस वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 9 होता है, तो 15 + 9 यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 24 आ जाएगा। तो बिल्कुल आंसर जो आ गया वो हमारा कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन, 24 इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं सबको बहुत बढ़िया से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और नंबर कोडिंग आप बहुत बढ़िया से सॉल्व कर पा रहे होंगे। जितने आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलते हैं, जितने प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ये टॉपिक ऐसा कर लीजिए कि कभी भी एग्जाम में आ जाए तो नंबर कोडिंग हो या लेटर कोडिंग हो हम जरूर बना लें, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हमको यहां पर कर लेनी है। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यहां पर देखिएगा क्या आपको चीजें दिख रही हैं। ये आपका हो गया कंडीशनल कोडिंग, अब कंडीशनल कोडिंग देखिए आपको यहां पर समझना है,
ठीक है। यहां पर देखिए, अब मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, बहुत आराम से आपको सारी चीज समझाऊंगा, क्योंकि एक बार आप समझ गए, एक बार समझ गए तो हर क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर बना पाएंगे। तो फटाफट से मैं आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम देता हूं। एक बार ये जो इंट्रोडक्शन यहां पर दिया है, आपको जो डायरेक्शन दिया है, एक बार सभी लोग ये रीड कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताना यहां पर स्टार्ट करता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज गिवन फॉलोड बाय फोर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल डिजिट्स लेटर्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, नीचे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें क्या होगा, आपको वहां पर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए होंगे, उसके बाद नीचे चार ऑप्शन में कुछ कॉम्बिनेशन दिए होंगे सिंबल डिजिट और लेटर के, ठीक है, चार आपको दिए होंगे ए बी सी डी। आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ लेटर्स। उन ग्रुप ऑफ लेटर्स को कौन से कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कोड्स एंड कंडीशंस गिवन बिलो। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो लिखा है बेस्ड ऑन द कोड्स, ठीक है, एंड द कंडीशंस गिवन बिलो। कोड्स जो दिए हैं यहां पर देखिए ए ई आई ओ का जो कोड दिया है, और नीचे देखिए कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, इनके बेसिस पे सारे क्या करने होंगे, आपको क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। मतलब कोड भी देखना है और कंडीशंस भी आपको यहां पर देखनी है, ठीक है। इफ नन ऑफ द कॉम्बिनेशन मैचेस चूज नन ऑफ दीज एज योर आंसर। अब कोई भी कॉम्बिनेशन वहां पर आपको ना मिले तो आप आंसर क्या करेंगे, नन ऑफ दीज वहां पर आंसर कर देंगे। अब देखिए यहां पर जो टेबल में आपको जो कोड दिया है वो तो सिर्फ पांच का दिया है, पांच वॉवेल्स का सिर्फ आपको यहाँ पर कोड दिया है ना, ए ई आई ओ यू, इनका आपको कोड यहाँ पर दे दिया है। अब इसके बाद आगे यहाँ पर और क्या लिखा है हमारे पास में देखिएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स, जो रेस्ट लेटर ऑफ लेटर्स जो है यहाँ पर जिनका कोड नहीं दिया है विल बी कोडेड एज नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब जिनका कोड यहाँ पर टेबल में आपको नहीं दिया, उनका कोड आपको कैसे लेना है, कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर उनके नेक्स्ट लेटर लेना है जो उनका अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। Like, समझ लीजिए बी का आपको कोड लिखना है, तो बी के बाद अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या आता है, सी आता है, तो बी का कोड क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल आपका आंसर जो आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या, समझ लीजिए आपको यहां पर एफ का पूछ लिया, तो एफ का कोड यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा। तो इस तरीके से कोड आपको लेके चलना है जिनका भी यहां पर आपको टेबल में कोड नहीं दिया है। अब कोड तो ठीक है, इसके साथ साथ आपको कंडीशन भी देखनी है, तो कंडीशन देखते जाते हैं एक बार। देखिए पहला कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन देखिए क्या लिखा है, इफ ए वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल बट एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, एक वर्ड जो वॉवल से स्टार्ट हो बट कॉन्सोनेंट पे एड हो, एंड हो, देन कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर टू बी इंटरचेंज। मतलब जो वॉवल का कोड है वो कॉन्सोनेंट को चले जाएगा, जो कॉन्सोनेंट का कोड है वो वॉवल को आपको चले जाएगा, ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, कहीं वर्ड जो है वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो और कॉन्सोनेंट से आपका एंड हो रहा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, इफ ए वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट, अब वर्ड जो है वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो बट एंड्स विद अ वॉवल, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वॉवल से एंड हो रहा है, देन द कोड, देन कोड द कॉन्सोनेंट एज डब्ल्यू, मतलब जो कॉन्सोनेंट है उसको आपको एज डब्ल्यू वहां पर कोड कर देना है, वॉवल को कुछ भी नहीं करना है, जो कॉन्सोनेंट है उसका कोड क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू आ जाएगा, चाहे कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, उसको डब्ल्यू का वहां पर कोड कर देना है। Then condition number three देखिएगा क्या लिखा है, if a word start with a consonant and also ends with a consonant, अब consonant से ही start हो रहा है, consonant से ही end हो रहा है, तो वहां पर क्या करना है, then both codes are to be as alpha, ठीक है, first में भी आपका alpha आ जाएगा, last में भी आपका क्या आ जाएगा, alpha आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए तीन condition जो आपको वहां पर apply करने हैं। अब इसके बाद note देखिएगा, note क्या लिखा है, if more than one condition is applicable in a word, एक वर्ड में कहीं एक से ज्यादा कंडीशन वहां पे आपके अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड में कहीं एक से ज्यादा कंडीशन वहां पर आपके अप्लाई हो रहे हैं, देन अप्लाई देम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कंडीशन नंबर। मतलब देखिए ये जो कंडीशन नंबर आपका है ना, उसके असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए
तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पूछा क्या दिया, पूछा क्या गया आपसे, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द वर्ड मुंबई। अब मुंबई का कोड आपको करना है, ठीक है, मुंबई का कोड आपको यहाँ पर क्या करना है, करना है। तो मुंबई जो है यहाँ पर एम से स्टार्ट हो रहा है, देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, वो वॉवेल से एंड हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से आपका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो कौन सा यहां पर कंडीशन लग सकता है, देखो कौन सा कंडीशन लग सकता है, सेकंड कंडीशन यहां पर आपका बिल्कुल लग सकता है, इफ ए वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट बट एंड्स विद अ वॉवेल, देन द कॉन्सोनेंट एज डब्ल्यू, मतलब जो कॉन्सोनेंट है उसको डब्ल्यू आपको यहां पर क्या करना है, कोड करना है। तो मुंबई का कोड देखिए यहां पर लिखते हैं अब कैसे आएगा, ठीक है, एम यू एम बी ए आई, ठीक है, तो एम जो है यहां पर इसका क्या लिखूंगा मैं, यहां पर डब्ल्यू लिख दूंगा, ठीक है। अब W जैसे ही मैंने लिखा तो मुझे समझ में आ गया यहां चार ऑप्शन में से कोई आंसर मेरा आएगा नहीं, मुझे W कहीं भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो फिफ्थ ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, जो क्वेश्चन में आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया था, ठीक है। बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, पूरा यहां पर आंसर करता हूं। अब यू देखिए, यू का जो कोड लिखना है वो क्या आ जाएगा, टेबल में देखिए हैश लिखा है तो हैश लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। एम का जो कोड यहां पर है, एम का क्या आ जाएगा, एम के बाद जो आएगा नेक्स्ट है ना, एम के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, एन आएगा, तो एन लिख देते हैं, ठीक है। बी के बाद क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। ए का कोड आपको दिया हुआ टेबल में एट द रेट, तो एट द रेट आ गया, और आई का क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। तो ये हो गए देखिए कोड आपका मुंबई का, बट ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहले मुझे समझ में आ गया नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ था, यहां पर देखिए लास्ट में रीड कीजिए, इफ नन ऑफ द कॉम्बिनेशन मैचेस चूज नन ऑफ दीज एज योर आंसर, ठीक है। तो फिफ्थ ऑप्शन यहां पर आ गया आपका कौन सा, नन ऑफ दीज आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चार ऑप्शन यहां पर है, पांचवा ऑप्शन कौन सा है आपका, यहां पर नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दीज यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी हम यहां पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो आप सभी लोग, क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द वर्ड हैप्पी, हैप्पी का कोड आपको यहां पर बताना है, ठीक है। अब हैप्पी देखिए आपका कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट से ही एंड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा कंडीशन आपका अप्लाई होने वाला है, थर्ड कंडीशन, मतलब एच का कोड भी आपको यहां पर क्या करना है, अल्फा लिखना है, ठीक है, और वाई का भी लास्ट में आपको जो कोड लिखना है वो यहां पर क्या लिखना है, अल्फा लिखना है, ठीक है। ए हो गया, देन पी हो गया, देन पी हो गया, ये तीन आपको बीच में क्या करना है, टेबल से देखना है, टेबल में है, टेबल में नहीं है तो क्या करना है, आपको उस लेटर के नेक्स्ट लेटर पे जाना है, ठीक है। तो ए का देखिए आपको यहां पर दिया हुआ टेबल में क्या दिया हुआ, एट द रेट दिया है, तो ए का मैं यहां लिख देता हूं आपका एट द रेट, ठीक है। तो P का देखिएगा, P के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, Q आता है, तो यहां मैं लिख देता हूं आपका क्यू क्यू, तो आंसर क्या हो गया, अल्फा एट द रेट डबल क्यू देन अल्फा, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए सभी लोग, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बिल्कुल सही आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूं सबको यहां पर बहुत बढ़िया से चीजें समझ में आ रही होंगी, देख सकते हैं सभी लोग कैसे हमने यहां पर कंडीशन अप्लाई किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहां पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वर्ड जो यहां पर आपको दिया है, जो वर्ड आपको यहां पर दिया है वो क्या दिया है, इंप्रेस दिया हुआ है। अब इंप्रेस देखिए आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट से यहां पर क्या हो रहा है आपका, एंड हो रहा है। तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, दैट मीन्स कौन सा कंडीशन यहां पर आपका अप्लाई होने वाला है, कंडीशन नंबर वन, बिल्कुल कंडीशन नंबर वन आपका अप्लाई हो जाएगा। कंडीशन नंबर वन पे क्या लिखा है, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल बट एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है बट कॉन्सोनेंट से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, देन कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर टू बी इंटरचेंज, इनके जो कोड्स हैं वो यहां पर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब जो आई का कोड है वो लास्ट में एस का चले जाएगा और जो एस का कोड है वो फर्स्ट में आ जाएगा आपका आई के प्लेस में। तो आई का देखिए क्या दिया है आपको टेबल में, डॉलर दिया है, तो डॉलर जो है आपका कहां चले जाएगा, एंड में, यहां पे लास्ट में डॉलर चले जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं डॉलर, ठीक है। और एस का जो कोड है, एस का तो टेबल में है नहीं, मतलब एस के बाद क्या आता है, टी आता है, मतलब यहां पर आई के प्लेस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टी लिखना पड़ेगा, ये हो गया टी। अब बाकी जो रिमेनिंग बच गया, एम एम का लिखना है, देन यहां पर पी का आपको लिखना है, देन इसके बाद क्या है आपका, आर आपको लिखना है,
इसके बाद ई का लिखना है और यहां पर फिर आपको क्या करना है, एस का लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं। चलिए एम का देखिए टेबल में नहीं है हमारे पास में, एम के बाद क्या आता है आपका एन आ जाता, तो एन आ गया। देन पी भी आपका टेबल में नहीं है, तो पी के बाद क्या आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, देन पी यहां पर पी हो गया, तो उसके बाद आर देखना है, तो आर का देखिए आर के बाद क्या आता है आपका एस आता है, तो यहां पर लिख देंगे हम एस। ठीक है, फिर ई है, ई का तो आपको यहां पर टेबल में दिख रहा है ना, क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, परसेंट के बाद एस है, एस के बाद यहां पर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, तो ये हो गया आपका टी। तो आंसर क्या हो गया देखिए टी एन क्यू एस परसेंट टी डॉलर, कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल देखिए यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत बढ़िया तरीके से देखिए यहां पे हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो देखिए कंडीशनल कोडिंग में आपको यही करना होता है, अकॉर्डिंग टू जो टेबल में कोड दिया है वो देखना है और जो कंडीशन दिख रही है उनको अप्लाई करना है। ये दोनों चीजों को देखते हुए आपको यहां पर आंसर करना है। कंडीशन अप्लाई करनी है देखिए, तभी तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िया से कंडीशनल कोडिंग आपको यहां पर अप्लाई करना है और आंसर कर देना है। देख सकते हैं सभी लोग यहां पर बढ़िया से मेरा आंसर आ चुका है, फर्स्ट ऑप्शन टी एन क्यू एस परसेंट टी डॉलर। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर बोलते जाऊंगा, हम यहां लास्ट दो सेशन से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, है ना। पहले में लेटर कोडिंग हुआ, देन नंबर कोडिंग हुआ, आज हम यहां पर कंडीशनल कोडिंग पढ़ रहे हैं। और देखिए सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है ना, सारी बेसिक चीज बताई है और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए कहीं बेस आपका स्ट्रांग है, कहीं आपका बेस आपका स्ट्रांग है, तो कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, आप वहां पर बिल्कुल सारी चीजें वहां पर सॉल्व कर लेंगे। फाउंडेशन आपका क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन आपका वहां पर बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, फटाफट से क्वेश्चन नंबर फोर हम यहां पर आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द वर्ड प्राइड। ठीक है, वर्ड जो यहां पर है हमारे पास क्या है, प्राइड है। अब देखिए प्राइड जो है आपका वो पी से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल से एंड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा आपका अप्लाई होगा, कंडीशन देखते हैं कौन सा अप्लाई होगा। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से एंड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया ये ऑप्शन, कंडीशन नंबर सेकंड। ठीक है, कंडीशन नंबर सेकंड यही लिखा है ना, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट बट एंड्स विद अ वॉवल देन कोड द कॉन्सोनेंट एज डब्ल्यू, मतलब जो पी है उसका क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। ये तो मुझे पहले ही समझ में आ गया, पी का यहाँ क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू आ जाएगा। और लास्ट में जो ई है, ई का आपको टेबल से देख लेना क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इतना देखने पे मुझे समझ में आ गया कि यहां पर जो आपका आंसर है वो चार ऑप्शन में से नहीं आएगा। ठीक है, इतने में समझ में आ गया, चार ऑप्शन में से मेरा आंसर नहीं आएगा, मेरा आंसर फिफ्थ ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, कौन सा, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि परसेंट लास्ट में नहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, बट फिर भी मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर आर हो गया, आई हो गया, देन डी हो गया, ये मुझे यहां पर क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है, तो आर का देखिएगा, आर का यहां पर क्या है, आर के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका एस आ जाएगा, तो यहां एस लिख देते हैं। आई का देख लीजिए, यहां पर टेबल में आपको दिया हुआ डॉलर, तो डॉलर हम यहां पर लिख देते हैं। और डी हो गया, डी का यहां पर कोड, डी के बाद में क्या आता है आपका ई आता है, तो यहां आ जाएगा ई। तो ये हो गया कोड आपका किसका, प्राइड का। तो बहुत बढ़िया से देखिए हमने प्राइड का यहां पर लिख लिया है कोड, बहुत बढ़िया से तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। बट यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि चार ऑप्शन में कोई भी आपको यहां पर मैच नहीं कर रहा। तो उम्मीद करता हूं देखो पूरे यहां पर जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गए होंगे, चार क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए। फटाफट से आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी बढ़िया से यहां पर जल्दी से हम यहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ग्रीन में देखिए, ग्रीन में आपको क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट में ही एंड हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से यहां पर क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा, मतलब स्टार्टिंग में भी अल्फा आएगा, कंडीशन नंबर थ्री है ना, और एंडिंग में भी आपको यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। मिडिल का आर हो गया, ई हो गया और यहां पर फिर ई हो गया, इनका मुझे देखना पड़ेगा। तो आर के बाद देखिए क्या आता है, एस आता है, तो एस लिख देते हैं। देन ई के बाद क्या आता है, देखिए ई का तो मुझे यहां पर टेबल में दिया होगा, बिल्कुल परसेंट दिया होगा, तो परसेंट हम यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हो गया देखिए आपका आंसर, अल्फा एस परसेंट परसेंट अल्फा, कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल आंसर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर
थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहां पर क्या कर लिया, क्वेश्चन पूरा पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कंडीशन कोडिंग यहां पर हमको सॉल्व कैसे करना होता है, कैसे सारी चीजें यहां पर अप्लाई करनी होती है, पूरी पूरी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन देखिए कंडीशनल कोडिंग हम और सॉल्व करेंगे ताकि चीजें आपकी यहां पर और क्लियर हो जाए। फटाफट से देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट भी देखिए ऐसा ही है, आपको यहां पे टेबल दिया हुआ है, कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशंस भी देखना है, टेबल भी देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट यहां पर एक बार डायरेक्शन फिर भी हम रीड कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट तो यहां पर नहीं दिया है। आप सब भी रीड कर लीजिए, मैं भी आपके साथ रीड करता हूं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स आर गिवन फॉलोड बाय फोर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स डिजिट्स लेटर्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी। You have to find out which of the following four combination correctly represents the group of letters. देखिए सेम वही चीज है, ठीक है, बट यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, टेबल में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, यहां पर आपके लेटर्स नहीं है, लेटर्स के यहां पर कोड आपको नहीं दिया, डिजिट्स के सारे दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन में भी डिजिट्स का ही पूछा गया होगा, ठीक है। देख लेते हैं, चलिए आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशन वहां पर साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, पहला यहां पर दिख रहा है व्हाट वुड बी द कोड ऑफ 2, 4, 5, 3, 6। अब कंडीशन देखिए, नीचे कंडीशन आपके तीन दिए हुए हैं, तीनों कंडीशन हम यहां पर देखते हैं। पहला क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर ऑड डिजिट, कहीं फर्स्ट और लास्ट आपके ऑड है, ठीक है, तो दोनों का कोड क्या करना है, आपको एडिट करना है, तो ये तो कोड यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर इवन, तो बिल्कुल देखिए ये कंडीशन अप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर जो दिया आपको 2, 4, 5, 3, 6, इसमें पहला भी इवन है और लास्ट में भी क्या है आपका इवन है। बोथ आर टू बी कोडेड एज अल्फा, अल्फा सॉरी हैश, ठीक है, हैश आ जाएगा, 2 का कोड भी यहां पर देखिए, 2 का भी आपका हैश आ जाएगा और लास्ट जो है आपका 6, इसका भी यहां पर क्या आ जाएगा, आपका हैश आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, इफ द फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड लास्ट नंबर इज इवन, कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, पहला ऑड है लास्ट इवन है, तो क्या करना है, कोड इंटरचेंज कर देना है, तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। हमारा कौन सा अप्लाई हो रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड हमारा यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल मैंने हैश हैश तो कर दिया है, अब फोर का कोड देखता हूं टेबल से, टेबल में देखिए फोर का कोड आपको क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, फाइव का जो कोड यहां पर आपको दिया वो क्या दिया है, के दिया हुआ है, और जो थ्री का कोड हमारे पास यहां पर वो क्या दिया आपको, एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, हैश वी के एफ हैश। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन देखिए यहां पर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने जल्दी से देखिए हमने यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना, आपको यहां पे सेकंड्स लगे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत बढ़िया से सेकंड्स में हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में देखिए कंडीशनल कोडिंग में आपको यही करना होता है, कंडीशंस कभी भी आपको नहीं भूलने, कंडीशन आपको देखना है यहां पर कंडीशंस क्या दिए हुए, कंडीशन भी अप्लाई करना है और टेबल से कोड भी आपको अप्लाई करना है और आंसर कर देना है। चलिए उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, फटाफट से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ 1, 3, 4, 2, 7। अब 1, 3, 4, 2, 7 में देखिए 1 आपका ऑड से स्टार्ट हो रहा है और 7 आपका ऑड में यहां पर एंड हो रहा है, तो दोनों ऑड है, तो यहां पर कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होगा। देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ था, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स आर ऑड डिजिट बोथ आर टू बी कोडेड एज एट द रेट, दोनों को यहां पर एट द रेट कोड कर देना है, तो 1 में भी यहां पर क्या आ जाएगा आपका एट द रेट आ जाएगा और लास्ट में भी यहां पर आपका क्या आ जाएगा एट द रेट आ जाएगा, ठीक है। अब 3, 4, 2, तो 3 का भी देखना है, 4 का भी देखना है और 2 का भी आपको यहां पर देखना है, तो 3 का कोड देखिए क्या लिखा है आपके पास में, एफ लिखा है। देन 4 का देखिए, 4 का हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ठीक है, 4 का वी, और देन 2 का क्या दिया है आपका, ए दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एट द रेट एफ वी ए एट द रेट। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए यही हमने देखा कि कंडीशन देख लिया कौन सा अप्लाई हो रहा है और जो बाकी जो वहां पे नंबर बच गए उनका वहां पर हमने क्या किया, टेबल से नंबर उठा के डाल दिया और पूरा क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व कर दिया, तो बढ़िया से आंसर आ गया यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे जल्दी से यहां पर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, 4, 7, 3, 2, 7, मतलब इवन से स्टार्ट हो रहा है। देखिए
इवन से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है नेक्स्ट ये कहा है, फोर से स्टार्ट हो रहा है, फोर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, इवन से स्टार्ट हो रहा है, इवन से आपका स्टार्ट हो रहा है और ऑड से आपका एंड हो रहा है, तो ये फोर हो गया, लास्ट में क्या हो गया आपका सेवन हो गया। तो कंडीशन देखिए कौन सा कंडीशन, कोई कंडीशन यहाँ पर ऐसा है क्या कि इवन से स्टार्ट हो रहा है ऑड से एंड हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, मतलब कोई कंडीशन आपकी अप्लाई नहीं हो रही, तो डायरेक्टली आप टेबल से कोड देखिए और कोड करना स्टार्ट कीजिए। फोर का क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, लास्ट सेवन का क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, C लिख लिया, देन यहां पे सेवन सेकंड का क्या आ गया, C आ गया, देन थ्री का लिखता हूं, थ्री का यहां पर क्या आ जाएगा आपका F आ जाएगा, और टू का देखना है, टू का यहां पर क्या आ जाएगा आपका A आ जाएगा, तो आंसर क्या बन गया, वी सी एफ ए सी, ठीक है, वी सी एफ ए सी, ठीक है, कौन सा है हमारे पास में, थर्ड ऑप्शन। देखिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ तो हमने यहां पर क्या किया, डायरेक्टली जो टेबल आपके थे, टेबल से हमने वहां पर देख लिया कोड और वो सारे कोड वहां पर क्या कर दिए, प्लेस कर दिए, और बढ़िया से यहां पर हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर, VCFAC। ठीक है, कोई भी आपको देखिए डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि यहां पर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से सारी चीजें आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो बिल्कुल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, पूरी पूरी हेल्प वहां पर आपकी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, फटाफट से क्वेश्चन नंबर नाइन यहां पर हम चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए फाइव से स्टार्ट हो रहा है, ऑड से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है फोर से, मतलब इवन से आपको यहां पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहां पर कंडीशन कौन सा अप्लाई हो जाएगा, कंडीशन थर्ड आपका अप्लाई हो जाएगा ना, ऑड से स्टार्ट हो रहा है, इवन में एंड हो रहा है, मतलब देखिए इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना मतलब देखिए फाइव का जो स्टार्टिंग का कोड होगा वो एंड में चले जाएगा, तो फाइव का कोड क्या है, के है, मतलब लास्ट में क्या करता हूं मैं यहां के लिख देता हूं, और फोर देखिए फोर जो एंड में था यहां पर फोर है ना, फोर का जो कोड दिया वी वो कहां चले जाएगा आपका स्टार्टिंग में चले जाएगा, तो वी हो गया, देन एट हो गया आपके पास में, देन नाइन हो गया, देन आपका हो गया टू, इनका भी आपको टेबल देखकर कोड लिखना है, तो एट का हमारे पास में क्या है, एल है, ठीक है, देन नाइन का हमारे पास में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, देन टू का देखिए टू का आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन हो गया, वी एल पी ए के, कौन सा ऑप्शन है, वी एल पी ए के, थर्ड ऑप्शन। तो बहुत बढ़िया, हमारा जो आंसर यहां पर आ जाएगा वो आ जाएगा वी एल पी ए के। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को यहां पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन यहां पर हम आज देखते हैं, उसके बाद यहां पर सेशन आज का हम यहां पर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से यहां पर लास्ट क्वेश्चन देखिए और फटाफट से सभी लोग आंसर करते जाइएगा। इवन से स्टार्ट हो रहा है, देखो इवन से स्टार्ट हो रहा है आपका, एट से स्टार्ट हो रहा है और वन से यहां पर क्या हो रहा है आपका, एंड हो रहा है, तो इवन से स्टार्ट हो रहा है और से एंड हो रहा है, कोई यहां पर रूल आपके पास नहीं है, कोई कंडीशन आपके पास नहीं है, तो फटाफट से क्या करेंगे, टेबल से देखते जाएंगे और यहां पर हम आंसर करते जाएंगे। तो एट का देखिए एट का क्या है हमारे पास में, एल है, देन फोर का वी हमारे पास में है, टू यहां पर टू का क्या दिया आपको, ए दिया हुआ है, देन फिर से एट का आपको क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और लास्ट में वन का आपको यहाँ क्या आ जाने वाला, जी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, एल वी ए एल जी, कौन सा ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, वी एल सॉरी एल वी ए एल जी, कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन यहां पर हो गया, गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं देखिए सारे क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से मस्त यहां पर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इसके बाद कंडीशनल कोडिंग में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखिए यहां पर हम आपके स्टार्ट करेंगे बाइनरी कोडिंग। ठीक है, बाइनरी कोडिंग नहीं, सबसे पहले हम यहां पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग यहां पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वहां पर क्या पढ़ने वाले, बाइनरी कोडिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए मेंस एग्जाम में आता है, मेंस एग्जाम में वो भी कितने मार्क्स में आ जाता है आपके यहां पर, वो पांच मार्क्स में आ जाता है। तो बिल्कुल भी नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ये गुड बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी आपको डाउट है बिल्कुल हमसे टेलीग्राम चैनल में आप यहां पर हमसे पूछते रहिएगा, थैंक यू सो मच।